नमस्कार, मैं एस सी डब्ल्यू पूर्णिया प्रखंड से। आज हम आए हुए यहाँ कोलुआ ठीका पंचायत के कोलुआ ग्राम में एकता बीओ के शिव शक्ति एस ए जी है। शिव शक्ति एस ए जी की हमारी दीदी है, इनका नाम है मंजू देवी। इनके यहाँ आज जैविक कीटनाशक बनवाया जा रहा है। यहाँ के डी आर पी है मुनि देवी, इनके माध्यम से, इनके प्रयास से दीदी प्रेरित होकर जैविक कीटनाशक बनवा रही है। तो सबसे पहले हम आपको सामग्री के बारे में बता दें कि क्या क्या सामग्री लगता है जैविक कीटनाशक में। सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले हमको लेना होता है गौमूत्र, यानी गाय या भैंसी का मूत्र जो यहाँ रखा हुआ है। 15 लीटर, लगभग 15 लीटर है, डब्बा में रखा हुआ है, ढक्कन वाला बाल्टी में रखा हुआ है। अब इसके बाद दूसरी सामग्री है मीठा, खैनी का डंडा, या खैनी का डंडा है, लहसुन है, लहसुन थोड़ा कम है, दीदी को बता देंगे, लहसुन बाज़ार से खरीद के लिया के डाल देगी। हाँ, फिलहाल कम है। यह धतूर का पत्ता, वह है अकवन का पत्ता, यहाँ है हरा मिर्च, यहाँ है नीम का पत्ता, और उधर है झड़कन का पत्ता। हाँ, यहाँ धतूर का फर है, ये और अधिक फायदा करता है। तो यह सारे सामग्री को हम खाल में कूट कर और इस गौमूत्र में डालेंगे। डालने के बाद 15 दिन तक इसको इसमें सड़ने के लिए छोड़ना है, और प्रतिदिन घंटा से एक बार चला देना है। 15 दिन के बाद इसको हम छान लेंगे। छानने के बाद तब इसका उपयोग हर फसल पर या साग सब्जी पर किया जा सकता है। हम यहाँ के VRP से बात करते हैं कि दीदी को कैसे प्रेरित की और क्या क्या सामग्री की व्यवस्था करवाई है, तो इनसे पूछते हैं। मुन्नी जी बताइए, तब अपना परिचय। हम मुन्नी देवी हैं और यहाँ हम 3 VO में काम करती हूँ, सेरा वाली, एकता और सीता। तो एकता में हम दीदी से जैविक कीटनाशक बनवा रही हूँ। देखिए यहाँ के सामग्री यही सब है जो ये दीदी के हम बहुत प्रयास किए हैं बनाने के लिए, तो बना रही है और हम सब बता रहे हैं बनवाने के लिए यहाँ। और साथ में हमारे यहाँ के VRP भी है, जो दूसरे पंचायत के VRP है, जैसे VRP है दीपिका कुमारी, प्रियंका देवी, ये सभी साथ में है। सभी आदमी एकजुट होकर और प्रयास करके ये काम कर रहे हैं। 1 लीटर इसमें गौ के मूत्र है, इसमें मीठा डाल रहे हैं, मरचा है, हरा मरचा है, सूखल मरचा है, हरा मरचा है, वो कौन चीज है, इधर तूर के फर है, खैनी का डंटा है, तोड़ दीजिए ऊपर, तोड़ दीजिए, धतूर के पत्ता है, धतूर के पत्ता डाले हैं, धतूर के पत्ता है, कौन के पत्ता क्या है, नीम के पत्ता है, जाते जाइए जाते जाए के बैठ जाए नीचे, पत्ता है। तो क्या करना है इसको, सब सामग्री रखा गया, अब क्या करना है सब बताइए। अब इसको 15-16 दिन में, 15-16 दिन इसको छोड़ देंगे इसी में, और जब सर जाएगा इसको हम छनवा देंगे, छान कर एगो डाबा में बंद कर देंगे, ढक्कन वाला में। अब इस फसल में हम डालेंगे, छिड़काव करेंगे, बहुत अच्छा है दीदी, वो भी रख दीजिए, बहुत अच्छा दवाई है, हो गया, भर गया सब, जान दिए नीचे, अब इसको ढक दीजिए, कीटनाशक और उनको रखिए जैविक तरीका से, घिवरा के दवा, घिवरा लगाओ, छिटाता है धान पर, छिटाता है आम के पेड़ पर, छिटाता है।